प्रणाम। प्रणाम भैया। की समाचार है दीदी? ठीक है भैया, अपना सुनाइयो। दीदी अभी की करै छियै? पानी भरै छी भैया। तो तनी हमरा मूंग के बीज उपचार के बारे में अपने सुन लिए जे बहुत बढ़िया करै छियै। हां भैया। तो हमरो तनी सिखा देती रह। हां चलू भैया सिखा दै छी। चलो दीदी बता दियो हमरा तनी। हां चलू भैया बता दै छी। हां दीदी बीज उपचार करे से पहले अपना तनी परिचय दे देती रह। हां भैया जरूर देम परिचय। सभी दीदी भैया के नमस्कार, मेरा नाम है तारा देवी, जयलक्ष्मी जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं, बंधन जीविका महिला ग्राम संगठन के अध्यक्ष हैं, मेरा घर है चांदपुरा। दीदी परिचय तो बड़ा बढ़िया दिलिए, अब बीज उपचार करे में कौन कौन सामान लगे है से तनी हमरा बता देती रह। हाँ भैया बता दे भैया। सौ ग्राम मूंग के बीचा ये भैया एक लीटर पानी है। ठीक है सादा पानी है। ठीक है दीदी। ये भैया सौ ग्राम केचुआ खाद है। केचुआ खाद है दीदी? जी भैया बड़ा बढ़िया। ये भैया सौ ग्राम गुड़ है। गुड़ है दीदी? जी भैया। ये भैया गौमूत्र है। गौमूत्र है दीदी? हाँ भैया। ये दीदी कथी है? ये भैया बीजामृत है। ये भैया राइजोबियम है। ठीक है दीदी। भैया ये सादा पानी रखा है। की करवाए दीदी सादा पानी रख का? सादा पानी में से बीज के धोबाई, तो ये बीज के धोबाई ना तो ये सब जितना खखरा होता है से निकल जाते। अच्छा भी चबट जाते। दीदी सादा पानी में बीज कहला डाल लिया? देखियो भैया सादा पानी में बीज डाल लिया है, से खराब का बीज जो है ना से ऊपर आ गिरे, ऊपर आ गया तो ये तो कोई काम के ना आते भैया, तो ये अच्छा वाला बीज जो है से नीचे बैठ गया। ठीक है दीदी निमन बीज तो नीचे बैठ गया। हाँ भैया तो ये भैया गुनगुना पानी है। कितना है दीदी का गुनगुना पानी? इसमें 250 ग्राम भैया डालबे। अच्छा दीदी सुसुम पानी कहला ले लिए हाँ? एमें भैया बीज डाले के ले लिए। बीज में डाल डाल के की करवाए? बीज में डालबाई साल भर से तो बीज रह है सूतल, एमें रखबे तो सब बीज जाग जाते। जाग जाते ना दीदी? हाँ भैया। भैया बीज डाले से पहले इस सारा सामान मिला लेबे से भैया 50 ग्राम केचुआ खाद में डाले डाल के की करवे दीदी? ये डाले से भैया बीज के ना से शक्ति मिलते कीड़ा न लग। अब भैया ये में 50 ग्राम गुड़ डालबे। दीदी मिठाई में काला डाल लिया है? गाढ़ा हो जाता है, बीज के साथ साथ सब चीज बढ़िया से चिपक जीवाणु के बढ़े में मदद मिलती। विशेष फायदा है ना? हाँ भैया। 25 ग्राम गौमूत्र डालबे। अच्छा दीदी गौमूत्र से की फायदा होता है? गौमूत्र से भैया होता है जो पौधा जो लगता है ओमे कीड़ा बाहर के ना लगते। बड़ा बढ़िया एगो विशेष फायदा है। हाँ भैया बीजामृत डालबे भैया। ये कितना डालबे दीदी? 25 ग्राम डालबे। यही से की फायदा होता है? इसे फाती बीज के शक्ति मिलते। तो हम भैया अब एक सब मिला दे ले। एकरा कहला मिल बच्चे दीदी? एकरा मिला देवे तो सब मिल जाते। अच्छा अब इसमें भैया बीज डालबे। बीज डालबे दीदी? दी दी। बीज डाल दे ले। अभी बीज के घोल में अच्छा से मिला दे ले। अच्छा से मिला से की हाँ। फायदा होते दीदी? ये सब जो घोल तैयार कर ले लिए बीज डाल लिए तो सब ही बीज में सब तत्व मिल जाए। दीदी
एक तो सब मिला दिली से हम बड़ा बढ़िया से सीख ले ली। अब आगे एकरा की करबै? अब भैया एकरा 6 घंटा तक छहिरा में रख देबै। तो 6 घंटा भैया रखबै तो एकरा सारा जितना ही पोषक तत्व से संग मिल जाते, सब स्वस्थ। ठीक है दीदी। दीदी अब तो 6 घंटा हो गए। हाँ भैया। आप की करबै? अब भैया एकरा छान देबै। छान भाई? हाँ। अच्छा। फिर गुनगुना पानी में फिर घोल बनाओ। ठीक है, का बताओ दीदी। तो देखो भैया अच्छा नहीं है। अभी बीज के सादा पानी से धो लेबे। हाँ। की करबै दीदी? तो धो कर एकरा ने फेर से घोल बना कर उमे डाल। अच्छा दीदी, हमू सीख ले लिए। अब सादा पानी धरे ले भैया। अच्छा ठीक है दीदी। एकरा धो दे ले साफ से। 6 घंटे बाद बीज को घोल से निकालकर सादा पानी से धोया जाता है ताकि कोई शुद्धि या कीटाणु बचे हों तो निकल जाएं। अब बचे हुए सामग्री से गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है और फिर धुले बीज को गाढ़ा घोल में डाला जाता है। ये बीज के धो दिलिए। धो दिलिए। हाँ तो साफ हो गया। हाँ दीदी, तो बड़ा बड़ा हो गया। अब एकरा में सब के फिर घोल बना कर फिर से डाल दे। ठीक है दीदी। भैया 100 ml गुनगुना पानी धरे। काला डाला छे दीदी? फिर से घोल बना भाई। अभी 50 ग्राम केचुआ खाद डाले। 50 ग्राम डाला छे दीदी? हाँ, 50 ग्राम। अब भैया 50 ग्राम गुड़ डाले। गुड़ो डाला छे दीदी? हाँ। जिस ग्राम गौमूत्र गाले। अब बीजामृत डालबे भैया। बीजामृत कितना डालबे दीदी? 25 ग्राम। डाल दिलिए भैया? हाँ दीदी डाल तो दिलिए। अब 5 ग्राम भैया राइजोबियम डालबे। दीदी ये राइजोबियम काहेला डाललियै? तो ये जे है भैया मिला दिलिए, तो ये जे हवा में जे अथी अब है नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन दीदी? हाँ नाइट्रोजन। ओ नाइट। तो ये जे पौधा में जड़ में पकड़ ले रहा। यो है एगो विशेष फायदा है जी भैया। तब एकरा घोल बनाबे दीदी? हाँ भैया घोल बनाबे। ठीक, हमहू सीख ले लिए दीदी। राइजोबियम जीवाणु मूंग की वृद्धि में सहायता करता है। यह हवा से नाइट्रोजन गैस सोखकर उसे पौधे के जड़ तक पहुंचाता है। इस बार भैया ज्यादा गाढ़ा घोल तैयार कर लिए। हाँ दीदी, तो गाढ़ा तो है। हाँ भैया। अबे मैं बीज डालबे दीदी? हाँ भैया मैं बीज डाल देबे। अच्छा दीदी। दीदी अब हमहू सीख ले लिया। हाँ भाई। ऐसी ही हमहू समूह में दीदी सके बताओ। अब की करबे दीदी एकरा? अब एकरा 8 घंटा रख देबे। तब सुंदेश्वर भैया अभी तक घोल में बना दिलिए। हाँ दीदी। बांध दिले। हाँ बांध के की करवाई दीदी? बांध कर 8 घंटा लेल रख दे। 8 घंटा ले। हाँ, अब कोई भी दीदी रोप सकलत है भैया। ये ठंडा पानी के छीटा मार दे। उससे की फायदा होते दीदी? एकरा में होते भैया नमी पकड़ ले रहा। नमी पकड़ ले रहता है। हाँ, तो अकुरन जल्दी आ जाता है। दीदी बीज उपचार तब बराबर नहीं आ कर लिया। हम समूह में बताओ।
ठीक भैया तेकर रख दैले रख रख ठीक है दीदी 8 घंटा ले रख दैले दीदी बीज उपचार के बारे में हमरा बतलियै एले अपने के बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद भैया तो दीदी किसान भैया के लिए कोनो संदेशो देब हां भैया जरूर देब सभी किसान भैया दीदी को अनुरोध है कि बीज उपचार करके खेत में बुआई करें बहुत बहुत धन्यवाद जीविका के नगरी देख के सन मन मा करे हो जीविका के नगरी देख के सन मन मा करे हो रह जाती हम 10 रुपया सटकिया में हम ना जाती हो रह जाती हम 10 रुपया